आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर की सैदपुर थाना पुलिस व स्वाट टीम की सदस्यों ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों लुटेरे कई लूट की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। इसके पहले हुए भावरकोल थाना क्षेत्र व कासिमाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल व अन्य सामानों की लूट में भी पांचों संलिप्त थे। इसी गैंग के 2 सदस्य अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने इनके पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल व 4830 रुपये नकद बरामद किया है। ये सारे लुटेरे अंतरजनपदीय बताए जा रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की खास रिपोर्ट। किस तरह की कामयाबी है, क्या बताएंगे? अभी कल रात में हमारी स्वैट और सर्वेलेंस टीम तथा सैदपुर थाने की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा विगत 1 माह में जो जनपद गाजीपुर में लूट की घटनाएं हुई थी, उनका पर्दाफाश हुआ है तथा उन घटनाओं से संबंधित माल की बरामदगी हुई है। एक घटना थाना कासिमाबाद क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल और मोबाइल 2 व्यक्तियों से लूटा गया था, उसका मोबाइल बरामद हुआ है। इस गैंग के 2 लोग अभी भागे हुए हैं, मोटरसाइकिल उन्हीं के पास है, वो वांछित है। इसी के साथ एक घटना सैदपुर में हुई थी, उस घटना में जो संपत्ति गई थी उसकी मोटरसाइकिल और लैपटॉप बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ भावरकोल में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें इसी ग्रोह का एक सदस्य पकड़ा गया था, जिससे बरामदगी हुई थी। आज उसके अन्य सदस्य पकड़ा गया है, उससे भी बरामदगी कैश की हुई है। इस तरह से ये लोग विगत काफ़ी दिन से जनपद गाजीपुर में सक्रिय थे और रात में अलग अलग मेंबर, क्योंकि 7 लोगों का ये कुल गैंग है और अपना घटना 2-2 3-3 4-4 लोग इकट्ठे ये निकलते थे, 2 मोटरसाइकिल पे, 1 मोटरसाइकिल पे, और सुनसान स्थानों पे लूटपाट की घटना लोगों के साथ करते थे। सर, इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी वांछित हैं और आज की बरामदगी में इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और कैश नगद रुपए इनसे बरामद हुए हैं और बाकी 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़ा का गैंग या किस तरह का गैंग है ये? ज़्यादातर इसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों के गाजीपुर के रहने वाले लड़के हैं। पूर्व में भी इनमें से कुछ लोग जेल में गए हैं विभिन्न लूटपाट की घटनाओं में, और आने के बाद भी फिर इन्होंने अपना वही पुराना क्रम शुरू रखा है। फिर इन्हें कठोर धाराओं में भेजा जा रहा है और भी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।